नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राहुल गांधी की छवि एक समय में पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि वो पप्पू हैं, लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले ने ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी की छवि अब पप्पू वाली नहीं रही, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर सही कदम उठाया है। उन्होंने समझ लिया है कि लोगों से जुड़ने के लिए चुनाव में अपनी पार्टी की मदद के लिए बहुत कुछ करना होगा, सिर्फ यात्राओं से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इससे पहले जब उनकी पार्टी 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गई थी, तब वे अपनी दक्षिण से उत्तर की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। हालांकि दूसरे चरण की जब राहुल गांधी की यात्रा हुई तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने पर उनकी यात्रा समाप्त हो गई और अब उन्होंने ये अच्छे से समझ लिया कि लोगों से जुड़ने के लिए यात्रा अच्छी तो हो सकती है, लेकिन चुनाव में अपनी पार्टी की मदद करने के लिए कोई और कदम उठाने की जरूरत है। तभी उन्होंने रायबरेली को चुन लिया, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी को लेकर मीडिया में अटकलें लग रही थी। कोई मीडिया कुछ दिखा रहा था तो कोई मीडिया कुछ दिखा रहा था, लेकिन इस बात पर घूम फिर रही थी मीडिया कि क्या वो अमेठी में स्मृति ईरानी के साथ दोबारा मुकाबला करना चाहेंगे या फिर नहीं। और फिर खबर ये आ गई कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों ही अटकलों को कांग्रेस ने विराम दे दिया, क्योंकि राहुल ने रायबरेली को चुना और अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को नहीं उतारा गया। अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दे दिया गया, जिसके लिए रॉबर्ट वाड्रा का भावुक फेसबुक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा, राजनीति की कोई भी शक्ति पद हमारे परिवार के बीच में नहीं आ सकता। हम सभी अपने महान राष्ट्र की जनता और जनता की बेहतरी के लिए हमेशा काम करेंगे और करते रहेंगे। आपके समर्थन और शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा कई मौके पर कांग्रेस के गढ़ अमेठी से चुनाव लड़ने और सक्रिय राजनीति में आने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। पिछले महीने जब उनसे पूछा गया था कि क्या वे अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि पूरे देश से ये आवाज आ रही है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। अब ये राहुल ने रणनीति के तहत किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसा करने का मकसद कांग्रेस का यूपी में अपनी साख को बचाने को लेकर था, क्योंकि कांग्रेस को अमेठी सीट पर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन रायबरेली सीट का समीकरण कांग्रेस जानती है, इसलिए ना अमेठी की ओर राहुल गांधी गए और ना ही वाड्रा को वहां से भेजा गया, क्योंकि इस बार राहुल गांधी का पूरा फोकस कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर है, इसलिए खुद भी राहुल गांधी वहां नहीं गए जहां वो 2019 में हार गए थे। वहीं रायबरेली सीट को चुनना दो चीजों का संकेत देता है, क्योंकि एक ये कि यूपी में जीत कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी है और क्या राहुल गांधी उसके लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ये कि अगर यूपी में कांग्रेस हार रही है तो उन्हें लंबी अवधि के लिए पार्टी के आधार का विस्तार करने की यूपी में कांग्रेस को जरूरत है, यानी कांग्रेस ज्यादा समय तक यूपी में टिक सके उसके लिए प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी राहुल गांधी की तरफ से शुरू कर दी गई। वैसे तो रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला अच्छे कारणों से हो सकता है। पहला, अगर उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा होता तो राहुल गांधी को न केवल स्मृति ईरानी का सामना करना पड़ता बल्कि जीत सुनिश्चित करने के लिए समय और संसाधन भी खर्च करने पड़ते। लेकिन रायबरेली में जो 2019 की मोदी लहर के बीच यूपी में कांग्रेस द्वारा जीती गई एकमात्र सीट थी, पार्टी ने बीजेपी के प्रतिद्वंदी पर 1,67,000 से अधिक वोटों की बढ़त बना ली थी, यानी राजनीतिक लागत लाभ की गणना इस बार स्पष्ट रूप से अमेठी की तुलना में रायबरेली के पक्ष में है कि रायबरेली में इस बार भी कांग्रेस ही जीत रही है। तो जाहिर है कि राहुल को एहसास है कि ना केवल उन्हें अपनी सीट जीतनी है बल्कि उन्हें यूपी में अपनी पार्टी को आगे भी ले जाना है, आगे भी बढ़ाना है। भले ही पार्टी इस बार बहुत अधिक सीटें ना जीत पाए, फिर भी उसे राज्य में टिकाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी, इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास यूपी में 9 सीटें थी, जब पार्टी उस समय 138 सीटों वाली बीजेपी से सिर्फ 7 सीटें आगे थी। पार्टी ने 2009 के चुनाव में यूपी से 21 सीटें जीती, जो यूपी में कांग्रेस के लिए जरूरी था और उस समय कांग्रेस ने मेहनत भी की थी, लेकिन यूपी में जैसे ही 2014 का वक्त आया कांग्रेस लगातार गिरावट की ओर चलती गई, यानी कांग्रेस सीट नहीं जीत पाई, जो यूपी में कांग्रेस को लगातार कमजोर करता गया। लेकिन अब यूपी में पार्टी की पकड़ को राहुल गांधी मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस जीते या फिर हारे, राहुल ने अपनी ही पार्टी को कड़ा संदेश दिया है कि हम लड़ने जा रहे हैं,
ये कार्यकर्ताओं को देने के लिए हमेशा एक अच्छा संदेश होता है, उनमें ऊर्जा भरने के लिए। खासतौर पर अगर राहुल गांधी अमेठी में पार्टी के नए उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के लिए आक्रामक प्रचार करेंगे तो 4 जून को नतीजा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी इसके लिए प्रयास अभी से कर रहे हैं। हाँ, बेशक उन्हें वायनाड में अपने मतदाताओं को अभी भी कुछ समझाना होगा, क्योंकि वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। संभावना है कि वहां राहुल गांधी जीत सकते हैं, लेकिन ये बाद के लिए एक समस्या है, क्योंकि वायनाड में अपना नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने इसे अपना घर बताया था, लोगों को अपना परिवार बताया था। अगर वो रायबरेली जीतते हैं, जहां फिर से उनकी संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं, तो उन्हें कठिन विकल्प चुनना होगा। फिलहाल अभी तो इसको लेकर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि रायबरेली के लिए राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी के लोगों को छोड़ दिया है। अन्नामलाई ने कहा कि जब राहुल गांधी जी केरल के वायनाड में चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या राहुल किसी और लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका राहुल ने कोई जवाब ही नहीं दिया था। राहुल कहते थे कि वायनाड के लोग उनका परिवार हैं और राहुल उनके साथ रहेंगे। बीते 5 साल में राहुल केवल 7 बार वायनाड दौरे पर पहुंचे। अन्नामलाई ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस के मंसूबों को पढ़ लिया है, रायबरेली के लोग इस बार कांग्रेस को खारिज कर देंगे। लेकिन राहुल को यह अच्छे से पता है कि रायबरेली से कांग्रेस को जीत हासिल होगी और इसलिए ही राहुल वायनाड के बाद रायबरेली पहुंचे। हालांकि वायनाड में भी अच्छा खासा जनसमर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। ये तो 4 जून का वक्त बता पाएगा कि वायनाड और रायबरेली दोनों में ही राहुल को क्या जीत मिल रही है। लेकिन बीजेपी भले ही राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आड़े हाथों ले रही हो, लेकिन राहुल को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के पीछे कांग्रेस की एक रणनीति बताई जा रही है, वो भी बड़ी, और राहुल गांधी की रणनीति है, पूरे कांग्रेस की रणनीति है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी शुरू से चाहती थी कि बतौर उत्तराधिकारी राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया अपनी विरासत राहुल को ही देना चाहती थी। वे चाहती थी कि रायबरेली की विरासत भी राहुल के पास रहे, लेकिन राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन राहुल ने पार्टी को मजबूत करने के लिए रायबरेली से लड़ने का फैसला लिया। उधर अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा की पहचान भी गांधी परिवार से ही है, क्योंकि वो गांधी परिवार के बेहद करीब माने जाते हैं और कहा जाता है कि जैसा गांधी परिवार है वैसा ही किशोरी लाल शर्मा है। वे अभी तक कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली संभालते रहे हैं, यानी पूरी तरीके से फोकस उनका इन दोनों सीटों पर रहा है और कांग्रेस को जिताते रहे हैं पर्दे के पीछे से। ऐसे में अमेठी से भले ही केएल शर्मा को टिकट मिला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमेठी का चुनाव गांधी परिवार ही लड़ेगा। केएल शर्मा के लड़ने पर भी गांधी परिवार की साख दांव पर है। उनके हारने का मतलब अमेठी से फिर गांधी परिवार का हारना ही होगा। केएल शर्मा भी जैसे राहुल के नाम पर वोट मांगते थे, उसी तरह अपने चुनाव में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम पर ही वोट मांगेंगे। वहीं 4 जून को अगर किशोरी लाल कामयाब हुए तो संदेश जाएगा कि गांधी परिवार के करीबी ने स्मृति ईरानी को हरा डाला। यानी ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली सीट दोनों पर गोटी सेट कर ली है और रायबरेली से चुनाव लड़ना उनकी रणनीति का हिस्सा है। और अगर राहुल गांधी की यह रणनीति कामयाब रही तो कांग्रेस दोनों ही सीट पर बीजेपी को चारों खाने चित कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो पूरी कांग्रेस पार्टी को संदेश जाएगा कि कांग्रेस अभी भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और पार्टी भविष्य में वो कमाल भी कर पाएगी जिसके कांग्रेस अभी ख्वाब देख रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।